हेलो हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपके अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ एकदम बढ़िया होंगे। और अभी हो रहा है सुबह का 9:30 बज रहे होंगे। तो मैं अभी जो है घर का सारा काम निपटा के अभी नहा के आई हूँ, पूजा उजा कर ली हूँ, जो कि आप लोगों को ऐसे धुंधला धुंधला सा दिख रहा होगा कैमरे के सामने सारे चीज़ें, क्योंकि ना वो धूप बत्ती सुनगाई हूँ तो सारे उसके धुएँ हैं अभी कमरे में, तो इसीलिए इस तरह से दिख रहे हैं। और अभी जो है बाल बाल थोड़ा सा झाड़ूंगी नहीं, बस ऐसे ही सिंदूर बिंदी कर ली हूँ। और अभी आ गई हूँ मैं किचन में, जो कि खाना वाना बनाने की तैयारी करूँगी। और मैं अपना दोपहर का खाना अलग ही बनाती हूँ। सुबह हस्बैंड जी को मतलब सब्जी वब्जी जो बनता है उन्हें दिला जाता है, वो मैं नहीं खाती हूँ, क्योंकि काफ़ी मसाले वसाले वाले होते हैं ना, तो मसाले वसाले एक ही टाइम खा लो ही बहुत होता है। तो इसीलिए अभी जो है मैं अपना मंगवाई थी साग, और मैं दिखा रही थी आप लोगों को बथुआ, वो बथुआ ख़राब दे दिया है क्योंकि रात के टाइम लेके आए थे ना इसीलिए। और अभी चल रही हूँ इन सभी को साफ़ करूँगी। और सरसों जो है वो ज़्यादा है और बथुआ जो है कम है, तो बथुआ की साग बनाऊंगी। मैं हस्बैंड जी से बोली थी कल की ले आइएगा, क्योंकि अभी ना मौसम ख़त्म होने वाले हैं, जो कि अब गर्मी आएंगे ना तो नहीं मिलेगा ये जो है सरसों बथुआ ये सब नहीं जल्दी मिलता ही नहीं है, तो फिर इसीलिए अभी मंगवा ली हूँ। और ये लास्ट है मुझे लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है ये लास्ट है ही। और उसके बाद जो है साग मैं छमक दी हूँ, उसे धुल उल के काट वाट के, और अभी मशीन में कपड़े भी लगा दी थी, तो वो जो है अभी इसे भी डाल के आऊँगी छत पे कपड़े भी, और सूख जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा होने लग गया है इसीलिए। और पूरा एकदम मशीन भर भर के कपड़ा धुला है, क्योंकि 2 दिन के कपड़े हो गए थे और 2 ही दिन के कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसीलिए ये सारे अभी रख के आऊँगी छत पे डाल के, और मशीन साफ़ कर दे रही हूँ। ये ना जो है काफ़ी ज़्यादा धूल उल जम गया है, 2 बार से साफ़ नहीं करके रखी थी ना, तो उसी को अभी साफ़ कर रही हूँ। फिर उसके बाद अभी इसे रखवा दूँगी अंदर। और परी आज भी चली गई है स्कूल, अभी एक दिन भी उसका नागा नहीं होता है, वो रुकती ही नहीं है बिल्कुल भी, अपने आप ही बोलती है जाने के लिए। अभी कपड़े डाल के आ रही हूँ छत पे, इतना तेज़ धूप है कि रुका ही नहीं जा रहा है, और शाम सुबह का थोड़ा थोड़ा सा बस ठंड है बस यहाँ पे। और आप लोगों के शहर में गांव में कहाँ से हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा है मौसम इस समय। और ना धीरे 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 गर्मी बढ़ जाएगा, ठंड तो थोड़ा बहुत सहा भी जाता है, कपड़े मतलब ओढ़ के रह लो, लेकिन गर्मी यहाँ नहीं सहा जाता है बिल्कुल भी, क्योंकि हमारा घर बिल्कुल अंदर है और हवा का नाम तो थोड़ा सा भी नहीं है, और कूलर पंखा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है गर्मी पे। तो अभी चल रही हूँ, मेरा साग बनने वाला ही होगा, अभी उसे तड़का लगाऊंगी और बनाऊंगी अभी चावल। और परी मैं आप लोगों से बातें कर रही थी तभी हस्बैंड जी का फ़ोन आ गया है कि मैं मंगाई थी कुछ पार्सल, तो अभी वो आ गया है, तो ये भैया फ़ोन कर दिए थे पहले से ही तो हस्बैंड जी के पास, तो वो फ़ोन कर दिए हैं फिर मेरे पास, तो मैं आ गई हूँ फाइनली बाहर लेने के लिए। और मैं बोल रही हूँ भैया 500 का खुले है, तो बोल रहा है बहुत सारे पैसे हैं, इसी बात पे हंसी आ गई थी। मैं आप लोगों से बात ही कर रही थी और तब तक आ गया है मेरा पार्सल, मंगाई थी कई दिन हो गया, तो मुझे लगा आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, तो आज फाइनली आ गया, क्योंकि हस्बैंड जी का नंबर डाल रखी ना उसमें, मतलब ऑर्डर करती हूँ तो उनका नंबर है तो फ़ोन उन्हीं पर आता है, तो मैं बार बार उनसे कह रही थी, पूछ रही थी कि फ़ोन आया कि नहीं आया, क्योंकि वो जल्दी फ़ोन उठाते नहीं हैं जब ड्यूटी पे रहते हैं, तो इसीलिए तो फाइनली आज आया है, तो मतलब फ़ोन उठा लिए थे तो। और उसके बाद ये ना किसी दिन आए थे गांव से, तो कोई तो ये जो बिस्तर निकाली थी मैं उनको, वो आए थे तो सोए थे ना खाट पे, तो उनके लिए बिस्तर निकला था, तो वो हाथ से बना हुआ बिस्तर है, मैं हाथ से बनाई थी उसे, और जो है शादी से पहले का है वो हाथ से बना हुआ, बहुत टाइम लगा था उसे बनाने में। और ये जो बिस्तर है ना इसे भी मैं हाथ से ही बनाई थी, शादी के टाइम ही बनाई थी, जब मैं आई थी बहुत से वही 4-5 महीने हुए थे या 6 महीने हुए होंगे मुझे आए, जब भी का ये बना हुआ है और शादी के 6 साल हो गए तब से ये बिस्तर चल रहा है, और बिना 1 रुपया खर्चा किए ही सारे बने थे बिस्तर, जो कि साड़ी वाड़ी पुराना साड़ी वाड़ी लेके और कपड़े उपड़े डाल के इसे अच्छे से बनाई थी मैं।
तो इसको ऊपर से मतलब चढ़ा दी हूँ कवर ना, तो ये साड़ी का ये भी है, तो जो है ये छूट गया है, इसका सिलाई छूट गया है, जो है ना धागा से सिली थी, कपड़े सिलने वाले धागा से, क्योंकि उस समय ये वाला धागा नहीं था, ये मोटा वाला सफ़ेद धागा है ना, तो ये वाला से जल्दी टूटता नहीं है। ये भी मैं घर से ही धागा लाई थी, यहाँ पता नहीं कहीं मिलता होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आसपास के दुकानों पे नहीं मिलता है यहाँ, तो और कहीं तो हम जाते नहीं हैं। तो फिर मैं इस बार मम्मी आई थी ना, तो उससे बोली थी लाने के लिए, तो लाई थी, तो अभी फ़िलहाल मेरा इस पर ध्यान पड़ गया है, तो मैं इसे ना सिल दे रही हूँ, क्योंकि फिर तो अभी तो रखूँगी इसे बेड में ही, जब ज़्यादा गर्मी पड़ता है ना तभी इसे मैं निकालती हूँ, जैसे छत पर जब हम जाते हैं सोने ना, तो खाट वाट तो चढ़ नहीं पाता है छत पर, तो इसीलिए ना इसी तरह से दो बिस्तर बनाई हूँ मैं, और दोनों ही हाथ से ही बनाई थी मैं, तो फिर ना ये दोनों ही ले जाती हूँ मैं छत पे, और चटाई जो होता है ना उसका कट्टे का बोरा भी बोलते हैं हमारे यहाँ, तो उसका भी बनाई हूँ, तो वही उसे नीचे बिछा के इसे ऊपर से बिछा लेते हैं, गर्मी अब आ गया है, तो फिर इसे मैं सिल ही दे रही हूँ, नहीं तो फिर ऐसे रख दूँगी ना, फिर गर्मी आ जाएगा, फिर निकालूँगी, फिर पता नहीं टाइम नहीं मिलता है ना, जो हाथ लग जाए वही काम कर लो तो ठीक रहता है। और जब ये बिस्तर मैं बनाई थी ना, बहुत ज़्यादा मुझे मतलब हमारा दिक्कत चल रहा था उस समय, तो इसीलिए मैं बना दी थी ये, और बन गया था तो हाथ से ही, तो काफ़ी दिन चला भी, बल्कि ख़रीदा हुआ इतना दिन नहीं चलता है। और अभी मैं साग देखने आ गई थी किचन में, जो कि इसे छौंक दी हूँ मैं, इसे जैसे उबल जाता है तो फिर बाद में छौंक देती हूँ, तो ये छौंक दी हूँ, देख लीजिए आप लोग, थोड़ा सा बस हुआ है, और उसके बाद जो है अभी ये चावल रख दूँगी बनने के लिए, चावल भी मतलब वैसे ही देख लूँगी इसमें कुछ है या नहीं है इसमें, और अभी टाइम हो गया है ये सब काम करते करते ना, टाइम हो गया अभी परी को स्कूल से लेके आने का भी, तो ये फटाफट मैं कर रही हूँ, 20-25 मिनट रह गया है, तो फिर इतने में चावल भी हो जाएगा मेरा। तो अभी मैं जो पात्र मंगाई हूँ वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ क्या मंगाई हूँ। और चलिए अभी पार्सल को जो है खोल के देखते हैं सही आया है कि नहीं, जैसा मतलब पिक में दिखाया रहता है उसमें जब हम ऑर्डर करते हैं, तो अभी देखती हूँ वैसा ही है सेम या नहीं है, क्योंकि एक बार मंगाई थी कुछ सामान तो मेरा वो ख़राब निकल गया था, सही निकला नहीं तो फिर वापस भी नहीं कर पाई उसे मैं, तो अभी इसे देखती हूँ, मतलब ये वैसे ही निकलता है कि मतलब थोड़ा वैसे निकलता है। तो आज मैं पहले ही बोल दे रही हूँ आप लोगों को, अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए, और अगर पसंद आता है तो शेयर भी कर दीजिए आप लोग। तो चलिए इसे अभी खोले हैं और देखते हैं, तो अभी आप लोग समझ गए होंगे क्या मंगाई हूँ मैं, जो कि मंगाई हूँ ट्राइपॉड, और ये है ना रिंग लाइट वाला मंगाई हूँ मैं इस बार, क्योंकि मुझे ना अब थोड़ा सा रील्स वील्स बनाती हूँ, थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है, मतलब अच्छा तो शुरू से ही लगता था, लेकिन ना कभी कभी जो है ना पैसे वैसे नहीं हो पा रहे थे मेरे पास, मैं कि मंगाऊँ, और हस्बैंड जी से मैं बोलती नहीं थी, लेकिन इस बार हस्बैंड जी से फाइनली बोली हूँ कि नहीं मुझे मंगवा दीजिए, तो फिर वही मंगवाए हैं। तो अभी इसे मैं खोल के देख रही हूँ, और जो है इसे वही फिट करेंगे आएंगे, तो अभी मैं फिट तो कर नहीं पाऊँगी, अभी उन्हीं से करवाऊँगी जब आएंगे तो, और जो है देख लीजिए आप लोग, एकदम सही निकला है, जैसा मैं देखी थी ना वैसा ही निकला है, एकदम सेम टू सेम निकला है। और अभी यूट्यूब पे भी शॉर्ट पैसे भी आते हैं, तो शॉर्ट भी बना के डाला करूँगी मैं, तो ये देखिए, बाय बाय।